नमस्कार, मैं हूँ पार्वती सेठ। मैं बनाने जा रही हूँ रानी पंपलेट का। रानी पंपलेट है, ये कैसी बनाते हैं देखिए। इसको पहले चीरा लगाना है, जैसी देखिए कौन सा मसाला जाता है। ये मसाला है, ये गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर है, कस्तूरी मेथी, ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये खटाला दही, ये लाल मिर्ची, नमक, सरसों का तेल, एक नींबू, नींबू का रस चाहिए, ये थोड़ा सा कलर लगाएंगे, ये ऑरेंज कलर है, इसमें थोड़ा खट्टा दही, ये धनिया पाउडर, ये गरम मसाला, ये जीरा पाउडर, एक कस्तूरी मिर्ची, ये नमक, इतना सा नमक चाहिए, सरसों का तेल, सरसों का तेल थोड़ा अच्छा से होना चाहिए, फिर एक नींबू का पेस्ट अच्छा से, ये नींबू, उसको आधा नींबू का बीज पैक है अच्छा से, एक आधा नींबू चाहिए बस। ऐसे हिला रहे हो, देखिए ये मसाला अच्छा से मिला के ये अच्छा से मसाला तैयार हो गया। फिर ये मसाला लिए तो अच्छा से मिलाया, दो मछली के लिए इतना मसाला काफ़ी है। जो मसाला देखा था मैंने लिया, वो मसाला अच्छा से मैंने मिलाया, और मसाला को मिलाने के बाद मसाला तैयार हो गया। फिर इसमें मछली ले रही हूँ, हाँ मछली ले रही हूँ। मछली लेने के बाद अच्छा से इसको लगाना है, इसको जो चीरा लगाया इसके अंदर भरना है, इसमें ये तंदूरी बनाने बहुत इजी है। अगर घर में ऐसी बनाए तो बहुत अच्छा लगेगा, तो बहुत इजी मसाला ना। हाँ, जब चीरा लगाया वहाँ पे अच्छा से मसाला डाला, अच्छे से कुट कुट के इसमें मसाला भरा हुआ, फिर इसमें मसाला बहुत, इसमें मसाला ऐसे भरना है बस, मसाला भर गया। बड़ी अच्छे से मसाला को भर दिया, बस हो गया। इसके बाद फ्रिज में रखना है, फ्रिज में रखने के बाद आधा एक घंटे के बाद निकलना है बस। बोलो ये आधा, ये फ्रिज मैं डालूंगी, इसको इधर जो लाल लाल दिखाई दे रहा है इसमें डालना है। ये सरसों का तेल है, सरसों का तेल में डालने से नीचे से नहीं चिपकेगा, ये बड़ी अच्छी इजी से निकल जाएगा। ये डाल दिया तंदूरी, ये मसाला को इसके ऊपर डालना है, मसाला डाल दिया है, ये तंदूरी अभी तैयार हो गया, इसको डाल दूंगी अभी तंदूर में। ये बस ये 45 मिनट रखना है ये तंदूर में बस, इसको हो गया, ये निकल रहे तंदूर। ये देखिए मेरा फिश अभी बिल्कुल तैयार हो गया, बिल्कुल अच्छा से तैयार हो गया, बोरिया पक गया, कड़क सा पक गया बस, दोनों तरफ पक गया। इसमें नींबू लेना है, इसमें रखो प्लेट, लीची, ये नींबू, ये है चाट मसाला, चाट मसाला देखिए बस, प्लेट लच्छा प्याज मसाला वाला ये रेडी हो गया। इसमें
ये देखिए मेरे मच्छी डाल रही हूँ मैंने, ये मच्छी तैयार है, तैयार हो गया। ये पुदीने का चटनी, ये बस, ये पुदीने का चटनी है, ये है चाट मसाला थोड़ा सा, बस ये मेरी फिश तैयार है, ये तंदूरी फिश। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कैसे बोले बार? अगर मेरी तंदूरी फिश पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।